नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। नसरुद्दीन शाह प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगियों के बारे में बेबाकी से अपने मन की बात कहने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने दिवंगत पिता अले मोहब्बत के साथ अपने खराब रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो हमेशा सोचते थे कि जो गलतियां उनके बतौर पिता अपने बच्चों के साथ की वो उन्हें न दोहराएं। वो कोशिश करते हैं कि पिता जैसी गलतियां उनसे ना हो, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों के बीच एक बंधन महसूस किए बिना नहीं रह पाते। रसुद्दीन ने कहा, मैं और मेरे पिता कभी एक दूसरे से आँख मिलाकर नहीं देख सकते थे। जब मैं बहुत छोटा था वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, ऐसा मुझे बताया गया। फिर उन्होंने मेरे लिए प्यार खो दिया क्योंकि मैं स्कूल में अच्छा नहीं था। उन्होंने खुद हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, इसलिए वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहते थे। वो बेताब थे कि उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों। उन्होंने हमें सबसे अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की जितना वो कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह से अमीर थे, लेकिन उन्होंने अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा हमें नैनीताल के स्कूल में भेजने के लिए खर्च किया था। वह मुझे पूरी तरह से कभी नहीं समझ सके क्योंकि मेरे पास तीन जुनून थे, थिएटर, सिनेमा और क्रिकेट। इन तीनों को उन्होंने नकार दिया। उन्हें डर था कि मैं क्रिकेटर बनने की कोशिश करूंगा, हालांकि मुझे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।